अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर परेशानी से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज है पहला रोज़ा, तो आप लोग मेरे इस वीडियो में देख पाएंगे इफ्तारी की तैयारी। यहाँ पर मैं फ्री टाइम में बैठी हुई थी तो छोटा सा वीडियो बना ली हूँ, आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें फूल भी आ गया है और ये कितने अच्छे लग रहा है ना। और घर पे टाइम था मेरे पास, इसलिए मैं वीडियो बना ली। और यहाँ पे देखिए, ये फ्रिज ओवरलोड है, पापा पहले से ही सब कुछ ला के दिए थे, तो हम लोग सब काट काट के मम्मी रख दी थी है। ये हमने किए, मम्मी किए हैं पहले से, क्योंकि हम लोगों के घर में काम बहुत रहता है। सब चीज़ हम लोग को अलग से पकाना पड़ता है। जो मैं खाती हूँ वो साइम नहीं खाता, जो साइम खाता है वो जन्नत नहीं खाती, इसीलिए हम लोग को सब अलग से बनाने पड़ता है। और ये तो हम लोग को आदत हो चुका है, क्या करें। ये मेरा मम्मी का लाडला लड़का है और लड़की है, परेशान करके रख दी है जन्नत और साइम भी। तो पापा पहले से हम लोग को फ्रूट ला के दिए थे सब, मम्मी काट के रख दी थी स्टॉक करके फ्रिज में। फ्रिज में जगह भी नहीं हो रहा था, कैसे करके रखूं, तो भी मम्मी कैसे करके भी जैसा तैसा करके रख दी अच्छा से ही पैकेट में। और क्योंकि ये रमज़ान हम लोग को मिलता है इबादत करने के लिए, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे थे, पहले से ही सब कुछ करके रख दिए। और यहाँ पर मम्मी पापा दोनों मिल के फ्रूट काट रहे हैं, पपीता है ये, पापा भी काट रहे हैं मम्मी भी काट रही है। मम्मी कितने अच्छे से ये काट काट के रखी है, उठा के कितने अच्छा लग रहा है देखने में। और आप लोगों को पता है मेरे पास लकी जब आई थी, लकी रमज़ान में ही मेरे पास आई थी, लकी का 4 साल हो गया है। और मिकी भी मेरे पास आई थी 2021 में, वो भी रमज़ान के दिन ही मेरे पास आई थी। और आप लोगों को तो पता ही है लकी और नहीं रही, लकी का पूरा 4 साल हो गया है मेरे साथ रहने, मेरा साथ 4 साल से थी। और यहाँ पे मैं आटा सान रही थी, यहाँ चना बना रहे थे हम, इफ्तार की तैयारी स्टार्ट कर दिए थे हम, आस्ते आस्ते से सब कुछ बना रहे थे। और मेरे साथ जन्नत भी थोड़ा हेल्प किए,